बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती सेहत और लंबी सदी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन जी। आज मैं बना लगी हूँ सब्ज़ी, सब्ज़ी का नाम है आलू बैंगन। आज ही मियाँ जी गए बाज़ार, तो उन्होंने क्या की सब्ज़ी लेनी थी, मैं क्या आज आलू बैंगन लाओ, आलू बैंगन ही सस्ती सब्ज़ी, चलो आलू बैंगन लाओ बना लेंगे। और मैंने पसंद भी बहुत है आलू बैंगन, मैंने पसंद बहुत है बनाना, बनाया अच्छा भी तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है जी। जनाब थोड़े की मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थोड़ी फेवर की मैं बहुत ज़्यादा जरूरत है, थोड़ी बहुत मेहरबानी होएगी। लहसुन लैके आ जा जल्दी कर, शाम हो रही है जल्दी कर बेटा, तो मौसम भी खराब है। अदरक भी लहसुन भी लैके आ मेरा बच्चा। अदरक किन्ने दे तेरे सके हो पैण, किन्ने दे? दुकान ते जाने वास्ते बहुत तेज जे, दुकान ते जाएगी। ओ बेटा ऊपर पिया लहसुन, असीं ना चिश्तियां रहिंदे सी ते हुण छोटे छोटे बैंगन, इतना इतना बड़ा बैंगन हुंदा सीगा, ओह असीं लै के आना तंदूर ते रोटियां लगवाउण जाणा ना, ते असीं नाल ना बैंगन लई जाणा। कहना कि इन्हों तुम तंदूर वाले ने कहना, या तंदूर वाली होनी आंटी ने कहना कि बैंगन आंटी जी तुम साढ़े को मजीद 10 रुपए लै लिया जी अजाफी, बैंगन ना सू भुन दो। उन्होंने बैंगन देना 10 रुपए लै लो, तो खाला जी ना सू आ भुन दो बैंगन। उन्होंने की करना जी, सू 10 रुपए लै लेने बैंगन भुन देना। उन्होंने कहें भरथा मसलन के पहले इन छिलना, छिल के इन कूडी पा के कुटना, हरी मिर्च और प्याज और यहो जी चीज़ा ना, मतलब लाल टमाटर वगैरह कुट के उन्होंने बैंगन छिल के बच्चे पा देना। इन्नी मज़ेदार नाल बिच फिर मक्खनी पा लेनी, इन्नी मज़ेदार दही या मक्खनी वो पा लेनी, इन्नी मज़ेदार तुम यकीन करो लगनी ना कि दिल करना दो दो रोटियां बंदा खा लवे, मगर दो रोटियां खानी होंगी सी ना बच्चे बहुत ज़्यादा। और गर्मी तो खास तौर पर ना चीज़ा बनाइए ना देसी चीज़ा बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है, और खावे तंदूर की नाल रोटी। इंशाल्लाह थोड़े दिन में फिर थोड़ी जी घर की सैटिंग करनी है ना, सारी जिंदगी तो फिर किराया तो रुले है, तो इंशाल्लाह हम घर की सैटिंग कर लाँगे ना, तो फिर तंदूर भी कर लावे, फिर मैं तुम्हें तंदूर से रोटियां भी ला के दिखाया कराँगी इंशाल्लाह। और बस तुम दुआ करो कि अच्छे अच्छे तरीके परथी पा के सोना जहा लिम पोच के सैटिंग कर ला घर की, ताकि रहन के मुताबिक सही हो जाए घर। बस हूँ तो तुम देख रहे हो मेरे घर की हालत भी सारे टाइप है, अल्लाह पाक मेरी मदद करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं इस बारी मिला उर्स भी करवाया ना जी, तो इस बारी बस उर्स करवाया ना, तो इसलिए किसी ने भी नहीं इनवाइट किया, किसी ने नहीं बुलाया है। तुम उर्स देखा भी है कि खास मेहमान नहीं सी, है ही नहीं सी, बस मेरी एक सासू माँ सी, उनके बच्चे जेडे नाल आए थे मेरे नंदा दे, बस एक थोड़ी बस सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तुम मेरी सपोर्ट करोगे, मेरे चैनल को सबसक्राइब करोगे, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ताकि मैं अपने हालात दुरुस्त कर सकाँ। और अगले उर्स से बाबा महबूब शाह के अगले उर्स से अगले साल अल्लाह पाक ने जिंदगी रखी और सावा ने वफा की, इंशाल्लाह सबनों इनवाइट करांगी, जो जो मेरे रिश्तेदार ने, जो जो मेरे बहन भाई ने मैनू जानने वाले, इंशाल्लाह जिन्हां दी शिकायतां ने तुसी बुलाया नहीं सबनों इनवाइट करांगी। बस प्लीज़ मेरे चैनल में सबसक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। शुरू तेज है वैसे, इसलिए कट लेना चाहिए ना नहीं जी, मेहरबानी मैं आप ही कट लाँगी जी, मैं कट लाँगी। कौन ना बेटे प्याजी? हाँ जी, प्याज बैंगन भी कटिया गया, मैं बैंगन भी कट लिया, आलू भी कट लिया, प्याज भी कट लिया, लाल टमाटर और हरी मिर्च में तड़के जो तड़का लावांगी उदो बनावांगी, उदो कटांगी जी। हूँ मैं अपनी वीडियो तो करनी है एंड, तो जी ओके, अल्लाह हाफिज़।